हेलो बच्चा गैंग, हम दान हेयर। आज शाम 5 बजे तुम सब मुझे अर्बन फॉरेस्ट में मिलो, एक जरूरी बात करनी है। क्या, क्यों, किस लिए? ये सब नहीं चाहिए मुझे। ट्यूशन का टुल्ला करो और जल्दी आओ, ओवर एंड आउट। सब आ गए? जी भाई। जैसा कि आप लोगों को बताए, एक साल पहले हम लोगों के स्कूल बंद किए गए थे और हम लोगों ने बहुत सुकून से गुजारा था वो एक साल। लेकिन अब हमारे स्कूल दोबारा से खोल दिए गए हैं। क्या तुम लोग स्कूल खोलने में खुश हो? नहीं। हम 12 बजे उठने वालों को सुबह 7 बजे उठाया जाता है, क्या ये इंसाफ है? ऑनलाइन क्लास लेकर फिजिकल एग्जाम लिए जा रहे हैं, क्या ये इंसाफ है? स्कूल में बुलाकर लड़कियों को 6-6 फीट दूर बैठाते हैं, क्या ये इंसाफ है? तो अब हमें अपने हक के लिए खुद आवाज उठानी है। क्या तुम सब तैयार हो? अब आप लोग मेरी बात गौर से सुने, हमें अपना स्कूल खुद बंद करवाना है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी राय का इजहार करें। भाई हम एक काम करते हैं, स्कूल के बाहर धरना देते हैं, नारे लगाते हैं, एहतजाज करते हैं कि हमारे स्कूल बंद करो। ओ भाई, इससे तो हमारा ही नाम खराब होगा कि हम लोग पढ़ना नहीं चाहते। काम ऐसा हो कि नाम बदनाम ना हो, कोई और मशवरा दे। भाई हम एक काम करते हैं, हम स्कूल में खांसने शुरू होते हैं, स्कूल खुद ही बंद हो जाएगा। ओ भाई, ये ट्रिक तो दाफन वाले 5 महीने पहले कर चुके हैं। भाई कुछ नया लाओ, नया एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने घर से भाग जाते हैं, स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा। खामोश, कुछ ढंग का मशवरा दो। भाई हम एक काम करते हैं ना, उसी से मिल लेते हैं जिसने हमारे स्कूल बंद करवाए। अब हम उससे मिलेंगे जो सब बंद करवा सकता है। वो वही है जो हमारे दिल की आवाज सुन सकता है। नाम है उसका कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बचाव के लिए एहतियात कीजिए। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन जाती एहतियाती तदाबीर भी लाजमी है और इन पर अमल ना करने से तिमाही और अफवाह। तो तुम लोग अपना स्कूल वापस से बंद करवाना चाहते हो? जी। देखो भाई, मैं तुम लोग को एक सच्ची और कड़वी बात बताने जा रहा हूँ। जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ, बहुत डिसहार्ट हो गया। देखो भाई, बाहर मुल्क में मैं एक बंदे को लगता था और पूरा शहर बंद हो जाया करता था। यहाँ मैं एक बंदे को लग जाऊँ तो सारा खानदान उठ के आ जाते हैं कि कोरोना वायरस लगने के बाद होता क्या है, और सारे मिलके कहते हैं अरे इसको तो नजला जुकाम हुआ है बस, कोई कोरोना शरोना कुछ नहीं होता। कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, पूरी दुनिया खौफ से लरज रही थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक हकीम उठा और कहता है लीमू के 2 कतरे मिलाए, कोरोना वायरस को भगाए। ये कोई तरीका हुआ है? एक लीमू लीजिए, उसके बीच से 2 टुकड़े कीजिए और फिर उसको ऐसे ऐसे करके दबाइए, 2 कतरे पीजिए, सिर्फ 2 कतरों में इलाज। उसके बाद में घूम रहा अपना शिकार ढूंढ रहा, कुछ लड़कों ने मुझे पकड़ लिया कि सेल्फी दे, आप तो बहुत मशहूर हो गए, आपके भारी हो गए। अरे भैया, मैं कोरोना वायरस हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ। सर आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सेल्फी मोबाइल निकल। छोड़ो। अरे सर 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 इधर देखे, सर इधर देखे। हाँ सर, आप मशहूर हो गए, भारी हो गए यार आपके। अरे यार अच्छा लो जल्दी सर, ये स्माइल। देखो भाई, 1 साल तक मैंने तुम लोगों का स्कूल बंद करवाया, जद्दोजहद की, कोरोना लगा, SOP का ख्याल, ये वो अटरम पटरम, लेकिन अब मैं थक गया हूँ यार, अब नहीं कुछ कर सकता मैं सर। दुरत की बात कर। हाँ, अब बोल क्या बोल। सर प्लीज सर, आप ही हमारा आखिरी सहारा है, हमारे स्कूल बंद करवा दें सर। भाई मैं नहीं कर रहा स्कूल बंद। अरे एक मिनट, रो नहीं बेटा, ये नहीं करो। देखो, एक तो मलेरिया भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरा दिल तोड़ दिया उसने, ऊपर से तुम मासूम चेहरों को रोता देख कर मेरा दिल भर आया। देखो तुम लोग रोगे ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा, और जब मैं रोऊंगा तो कोई मुझे चुप नहीं करा पाएगा। चलो मैं कुछ करता हूँ तुम लोगों के लिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मौसम नरम गरम चल रहा है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए।
घर जाओ, अब्बा को बर्फ वाला पानी पिलाओ, उनका जैसी गला खराब हो बोलो कोरोना वायरस है, किसी को छींक आए तो बोलो कोरोना वायरस है, किसी के सर में दर्द हो तो बोलो कोरोना वायरस है, किसी के पेट में दर्द हो तो बोलो कोरोना वायरस है, हर बात को बोलो कोरोना वायरस है। घर जाओ, खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, पंखा खोल दो, एसी चला दो, ताकि जल्द से जल्द तबीयत खराब हो, और जैसी तबीयत खराब हो एप्लीकेशन लिख दो स्कूल वालों को कि हम क्वारंटीन हुए हैं, तो जब बच्चा कोई आएगा ही नहीं तो स्कूल खुलेगा कैसे। लेट्स स्टार्ट द मोंटाज म्यूजिक। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नजर तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वायरस के हिफाजती इकदाम और तलबा के तहफ्फुज़ के लिए ये फैसला किया गया है। तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया गया है। अब मुझे और मशवरे नहीं दो। तो बता देना नहीं। भाई हम एक काम करते हैं, हम एक मिनट ना भाई, हम एक काम करते हैं, हम जो है स्कूल में खास क्या बोलना था, स्कूल में बुलाकर गर्ल्स से 6-6 फीट दूर बिठाते हैं, लड़कियों से 6 फीट एक टिक में निकल जाएगा, फ्री में निकलेगा, पर अब वापस से स्कूल खोले गए हैं। इस बंदे से क्या खास रिश्ता है? हाँ ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। और हम लोगों ने बड़े आराम से गुजारा था, और हम लोगों ने बड़े सुकून से गुजारा, हमने एक साल बहुत, और हम लोगों ने वो एक साल बड़े सुकून से गुजारा था। क्या तुम लोग, तुमने नीचे देखा उसके नीचे कब देखा, आंखों पे तो देख रहा हूँ। क्या तुम लोग स्कूल खुलना, क्या तुम लोग, हम तो हाँ हम सुबह बारह बजे क्या बोलना है, बहुत हम यह बहुत बड़ी लाइन है, मुझे नहीं बोली यार, 7 बजे उठने वालों को 7 बजे उठाया जा रहा है, इंसाफ ही नहीं है। हम क्या ये इंसाफ है, क्लास लेकर फिर आप लोग मुझे अपनी राय का इजहार करें, ताकि हम वो इस वक्त पे स्कूल बंद करवाने का अमल करें। जहाँ तक बोला वहीं तक बोलो ना, ये